हिमाचल की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य भी है, इसलिए बीजेपी इस बार इतिहास बदलने की बात कह रही है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस सत्ता पक्ष और विपक्ष का रोल बारी बारी से अदा करती आई हैं। ऐसे में इस बार सत्ता की बारी कांग्रेस की है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी ने कई सीटिंग एमएलए के टिकट काट दिए हैं। नए चेहरे को मैदान में उतारने का फॉर्मूला उत्तराखंड में कामयाब रहा था और बीजेपी की सरकार रिपीट हुई थी, इसको देखते हुए नए चेहरे पर पार्टी ने दांव खेला है। तो चलिए जानते हैं कि 2017 में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। कुल सीट 68, बीजेपी को मिली 44 सीट और वोट प्रतिशत 48.79% रहा। कांग्रेस को 23 सीटें मिली, वोट मिला 38.90%। बीएसपी को एक सीट मिली और वोट मिला 7.26%। निर्दलीय को 2 सीटें मिली।